हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार ऑथेंटिक रेयर रेसिपी बनाएंगे हम चपली कबाब की। चपल कबाब भी लोग कहते हैं। 1 kg मैंने ले लिया है कीमा अच्छा सा मैंने, और उसमें मैंने तकरीबन 25% मैंने चिकनाई ऐड करके पिसवा लिया है। 2 medium size के, बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लेके बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 medium size की अनियन है, 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल शॉप्ड हैं, बारीक हैं ये। और इसमें जाएगा 1/2 cup बेसन जाएगा, यानी 4 tablespoon हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। 2 teaspoon हमने चिली फ्लेक्स लिया है। 1.5 tablespoon हमने लिया है गदरा धनिया, ठीक है जी, पिसा हुआ धनिया नहीं, पिसा हुआ नहीं है, गदरा है। 1.5 teaspoon नमक है, 1.5 teaspoon रेड चिली पाउडर है, 1/2 teaspoon हल्दी है, और जी 1 teaspoon इसमें हमने कुटा हुआ डाला था ज़ीरा, ठीक है जी। और फिर मैंने क्या किया था, अच्छा ज़ीरे को मैंने भून लिया था, फिर हमने कूट लिया। इसके बाद हम 2 अंडे शामिल करेंगे, जो अच्छी तरह अंडों को फेंट कर फिर हम इसका ऑमलेट बनाएंगे। तो जी मैंने इसमें 1.5 teaspoon कचरी पाउडर ऐड किया था। पपीता ऐड मत करिएगा, वो बिल्कुल ही गला देता है, मज़ा नहीं आता। कचरी पाउडर ही इसमें ऐड करिएगा। 1 tablespoon मैंने ले लिया है ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो 1/2 अंडा, मतलब 2 अंडे जो हमने फेंट के रखे हैं उसमें से हम 1/2 अंडे का बनाएंगे कच्चा पक्का ऑमलेट बनाएंगे। फुल कुक हमें नहीं करना है इस रेसिपी में। बहुत ही यमी मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं, चटपटे से ये कबाब बनते हैं। ओके गाइस, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा मिर्च मसाले कर सकते हैं, लेकिन 1 kg के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, चटपटे मज़ेदार से। तो देखिए मैंने क्या किया, वो बिल्कुल लाइट सी मैंने की हुई है आज। फ्लेम हमें जो है बिल्कुल लाइट रखना है, मीडियम पे रखना है। और ये देखिए कच्चा पक्का था हमारा ऑमलेट रेडी हो। अब हमने करना है कि इसको रखेंगे साइड पे, तमाम मसाले मिलाएंगे, तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं इसको साइड में कर देती हूँ, और फटाफट जल्दी से आपका वक्त नहीं लेते हुए हम डाल देंगे कीमे में तमाम स्पाइसेस ज़बरदस्त से मज़ेदार से। और हम फिर इसमें साथ ही साथ डाल देंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। गाइस मुझे बनाने हाथ के हाथ, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसी के साथ जी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 cup, बिल्कुल लेवल 1/2 cup हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, यानी 4 tablespoon भर के हमने इसमें बेसन ऐड करना है। ये है 1 kg की रेसिपी। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो वो ना ड्राई हो जाते हैं। और मैं इससे ये होगा कि ये बहुत माशाल्लाह हमने टमाटर वगैरह जो इसमें जो क्वांटिटी रखी है ऐसे ही रखनी है, आपने जूसी बनेंगे ये वाले कबाब ये रेसिपी में। तो मैं इसको अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त से मिक्स कर लेती हूँ मसालों को, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ऑमलेट जो हमने रेडी किया है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी से इसे मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो जी मिक्स हो चुका हुआ था और हमने डाल दिया इसमें हमारे वो ऑमलेट जो हमने बना के रखा हुआ था, नमक वगैरह कुछ भी नहीं था। अब मैं इसको बिल्कुल नरम हल्के हाई से, अब मैं जल्दी से मैंने क्या किया था कि मसाला वगैरह सब लगा के मैंने 15 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद 15 मिनट के बाद मैं इसको शेप दे रही हूँ चपली कबाब की। अच्छा मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बना रही, नॉर्मल साइज़ के मैंने इसको शेप दिए हैं। और शेप देने के बाद एक एक टमाटर मैं इसमें लगा दूँगी। आप अपने हिसाब से शेप जो है बड़ी छोटी उसका साइज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने एक एक टमाटर लगाया और जो है उसको मैं फिर शेप देती गई। तो अब जल्दी से मैं बना देती हूँ कबाब और फिर हम जल्दी से करते हैं अपनी फ्राइंग का काम। तो गाइस अब बारी आ गई है हमारी फ्राई की। मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, अच्छे से गरम कर रही हूँ मैं। और अब क्या करना है कि जैसे ऑयल गरम हो गया, मतलब बहुत गरम नहीं हुआ, नॉर्मल गरम हो गया, मैंने आँच इसकी थोड़ी मीडियम कर दी है। अब जल्दी जल्दी से हम कबाब इसमें ऐड करते जाएंगे और जल्दी जल्दी से फ्राई करते जाएंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो गाइस आपने देखा है ये जो टमाटर वाला हिस्सा है इसको हमने नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। और फिर हम इसको जो है एक के बाद एक जो है फ्राई करते जाते हैं और निकालते जाते हैं। तो चलें जी मैं जल्दी जल्दी से फ्राइंग कर लेती हूँ और आपको बीच बीच में दिखाती भी हूँ कि इसकी शक्ल कैसी आई है। और माशाल्लाह से यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और बिल्कुल वही चपली कबाब वाली खुशबू आ रही है जो आती है।
तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने क्या किया था कि मैं बिल्कुल भी इनको छेड़ा नहीं था। एक साइड से कुक हो गई थी, उसके बाद मैंने दूसरी साइड चेंज की थी और लिट लगा दी थी। इसी तरह से जो है माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे कबाब रेडी हो गए थे। और आप लोग ने भी इसी तरह अपने बार बार इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये टूट सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल आराम से एक साइड कुक की फिर दूसरी साइड मैंने चेंज की, तो हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, डिश आउट करते हैं और मैं फिर आपको इसको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रेसिपी, इफ़ यू लाइक माई रेसिपी काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और ये रेसिपी जो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो चलें जी, मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी में। अभी मैं जो नेक्स्ट रेसिपी ऐड करूँगी देगी बीफ अचारी की मैं ऐड करूँगी, बहुत यमी है। तो चलें जी, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे विद कुक विद हुमा समद। अल्लाह हाफिज़।